लैंग्वेज भी कितनी अमेजिंग होती है। हम अपने एक्सप्रेशंस, अपनी फीलिंग्स, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने के लिए इंग्लिश में अलग अलग कॉन्सेप्ट्स का यूज करते हैं और आप इंग्लिश सीखते हैं उन्हीं कॉन्सेप्ट से। भगवान करे या भगवान ना करे, कितने छोटे वर्ड्स हैं ये, लेकिन यही छोटे छोटे वर्ड्स एक कॉन्सेप्ट बनाते हैं। यस, भगवान ना करे ये कॉन्सेप्ट है। इसको इंग्लिश में यूज करने के लिए आप यूज कर सकते हैं गॉड फॉरबिड, भगवान ना करे। उसी तरह भगवान करे, मे गॉड, इसके लिए आप यूज कर सकते हैं मे गॉड। आज इस वीडियो में यही दो कॉन्सेप्ट्स हम सीखने वाले हैं, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए पहले इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि गॉड फॉरबिड और मे गॉड हम यूज कहां करते हैं। ह्यूमन बींग्स बहुत सारी फीलिंग्स, एक्सप्रेशंस, थॉट्स और डिजायर्स रखते हैं। बहुत बार इंसान चाहते हैं कि उनकी ये डिजायर्स भगवान पूरा करे, या वो ऐसी फीलिंग रखते हैं कि भगवान ऐसा कभी ना करे। तो भगवान उनकी चीजों को पूरा करे या भगवान ऐसे कभी भी ना करे, इन दोनों कॉन्सेप्ट को यूज करने के लिए गॉड फॉरबिड और मे गॉड का यूज किया जाता है। कॉन्सेप्ट समझने के बाद हम बढ़ते हैं आगे सेंटेंसेस पे। पहले हम सीखते हैं सेंटेंसेस ऑफ गॉड फॉरबिड। हमारा पहला सेंटेंस, भगवान ना करे तुम कभी अकेले रहो। गॉड फॉरबिड, भगवान ना करे, गॉड फॉरबिड यू एवर लिव अलोन, गॉड फॉरबिड यू एवर लिव अलोन। हमारा दूसरा सेंटेंस, भगवान ना करे तुम्हें ऐसे दिन देखने पड़े। गॉड फॉरबिड यू सी सच डेज, गॉड फॉरबिड यू सी सच डेज। हमारा तीसरा सेंटेंस, भगवान ना करे उसके साथ ऐसा हादसा हो। गॉड फॉरबिड सच इंसिडेंट्स हैपन टू हिम, गॉड फॉरबिड सच इंसिडेंट्स हैपन टू हिम। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंसेस मे गॉड के ऊपर। हमारा पहला सेंटेंस ऑन मे गॉड, भगवान करे तुम्हें एक अच्छी सी जॉब मिले। मे यू गेट अ गुड जॉब। हमारा दूसरा सेंटेंस, भगवान करे तुम्हारे घर में एक स्वस्थ बेबी हो। मे यू बी ब्लेस्ड विद अ हेल्दी बेबी। हमारा तीसरा सेंटेंस, भगवान करे तुम्हारी लंबी आयु हो। मे यू लिव लॉन्ग। नाउ टाइम फॉर द असाइनमेंट। असाइनमेंट इस वीडियो का ये है कि आपको मे गॉड और गॉड फॉरबिड इन दोनों कॉन्सेप्ट्स के ऊपर दो दो सेंटेंस बनाने हैं। यस, आपको गॉड फॉरबिड के ऊपर दो सेंटेंस बनाने हैं, फिर आपको मे गॉड के ऊपर दो सेंटेंस बनाने हैं, और ये चारों सेंटेंस आपने भेजने हैं मेरी यूट्यूब वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करके। उन सेंटेंसेस को मैं इवैल्यूएट करूंगी। आशा करती हूं कि आप मेरी सारी वीडियोस इसी तरह देखते रहें और आपकी इंग्लिश इसी तरह इंप्रूव होती रहे। इन असाइनमेंट्स को करना बहुत जरूरी है क्योंकि ये असाइनमेंट्स आपको प्रैक्टिस कराती हैं इंग्लिश में मास्टरी करने के लिए। मैं मिलूंगी अपने नेक्स्ट लेसन में। टिल देन टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।